अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले एमसीडी का इलेक्शन हुआ जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 15 साल पुराने शासन का खात्मा हुआ और दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झाड़ू मार मार के वहाँ के सिविक सेंटर से सदन से बाहर किया अध्यक्ष महोदय। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ना वो ढीठ होते हैं, ढीठ। नागपुर में ट्रेनिंग होती है इनकी, ढीठ बनने की। ये कहीं ना कहीं से, क्योंकि सत्ता का नशा ऐसा होता है, सिविक सेंटर का नशा ऐसा है, मेयर कुर्सी का नशा ऐसा है कि इनका नशा खत्म नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं से जुगाड़ पानी लगा के, सेटिंग लगा के बैकडोर एंट्री करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की जनता ने इनको भगा दिया है, नकार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लगे हुए हैं कि किसी तरीके से सेटिंग हो जाए। और सेटिंग कौन करा रहे हैं? संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति करा रहे हैं। अध्यक्ष जी, जब मैं छोटा सा था, 10-11 साल का, उस समय मेरा जो है एक दोस्त था जिसका नाम रिजवान था। और रिजवान जो है, जब भी मैं उससे बात करता था, कई बार अपने बातों के जिक्र में हज का जिक्र करता था वो, और बताता था कि मेरी अम्मी हज पे जाने वाली है, अब्बा जाने वाले हैं, मैं भी हज पे जाऊंगा। मतलब एक हज जो है वो एक आस्था का विषय है, मुस्लिम धर्म के एक आस्था का विषय है। और बहुत ताजुब की बात है और बहुत शर्म की बात है कि एलजी साहब ने और भारतीय जनता पार्टी ने हज को एक राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, हज को अपनी सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने का जरिया बना दिया है, सीढ़ी बना दिया है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से एलजी साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनली इन्होंने हज कमेटी फॉर्मेशन करी, और हज कमेटी फॉर्मेशन करने के बाद उसमें कुछ मेंबर्स चुन लिए, उसके बाद जब हमारी तरफ से उस पर रिएक्शन गया सरकार की तरफ से, तो एलजी ऑफिस की तरफ से रिएक्शन आया कि एलजी साहब जो है एडमिनिस्ट्रेटर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने तमाम जगह जो है वो बता रखा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का रोल क्या है। एडमिनिस्ट्रेटर वर्ड का मतलब क्या है, गौर फरमाइएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है, वो तमाम तरीके से बता रखा है। लेकिन एलजी साहब को अभी समझ में नहीं आ रही कि एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या है। मैं अपने लहजे में, अपनी भाषा में बताना चाहता हूं कि एडमिनिस्ट्रेटर आखिर होता क्या है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक एमएनसी में काम करता था। वहां पे 100-150 कंप्यूटर लगे होते हैं, सिस्टम लगे होते हैं, और 100-150 कंप्यूटर जब होते हैं, उसका एक हब होता है, एक हब क्रिएट होता है, जिसमें वहां पे उस सिस्टम को चेक करने के लिए, उस सिस्टम को रन करने के लिए एक हब करने, जो हब क्रिएट होता है, वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होता है। जो भी हमने कभी सिस्टम यूज किया होगा तो उसमें लिखा आता है कि एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। कई बार कई लोग जो है कंपनी में काम कर चुके हैं, यहाँ पे इसलिए बात कर रहा हूँ, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस होता है। तो जब मैं वहां पे जॉब करता था, उस समय मुझे नॉलेज है, तो मैंने उस समय जो वहां पे अपॉइंटमेंट बंदा था उसे उस समय बात होती थी, उसने मुझे बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर काम जो है वो सिस्टम, सारे सिस्टम ऑन करना होता है और रात के टाइम बंद करना होता है, स्विच ऑफ स्विच ऑन का काम था उसका। अध्यक्ष महोदय, एडमिनिस्ट्रेटर काम स्विच ऑन, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने का होता है, लेकिन सिस्टम पे बैठे हुए जो बंदा है, जो व्यक्ति है, जो एम्प्लॉय है, उसका काम होता है या वो अपने सिस्टम से मेल एक्सेस करे, प्रिंट आउट दे, फेसबुक चलाए, ट्विटर चलाए अपने कंप्यूटर से, उसकी जिम्मेदारी, उस कंप्यूटर की जिम्मेदारी, उस मेल की जिम्मेदारी, उस प्रिंट आउट की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की होती है जो सिस्टम एक्सेस करता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का काम कुछ नहीं होता, एडमिनिस्ट्रेटर काम सिर्फ जो है स्विच ऑन स्विच ऑफ करना होता है। दिल्ली के एलजी साहब ने एडमिनिस्ट्रेटर रूप में दिल्ली सरकार को स्विच ऑन कर दिया, शपथ दिला दी है, अब उनका कुछ काम नहीं है। अगर एलजी साहब चाहते कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वहां पे उन्हें स्विच ऑन कर दिया, अब वो सोचे नहीं जी, पासवर्ड भी मुझे दे दो, मेल आईडी का पासवर्ड भी मुझे दे दो, प्रिंट आउट भी मैं लेके आऊंगा, तो कैफे वाले बन गए। तो क्या इंटरनेट कैफे वाले करते हैं ये काम? इंटरनेट कैफे वाले कहते हैं कि जी हमें मेल आईडी खोल दो, यहीं से हम प्रिंट दे देंगे। अब ये हालत होगी एलजी साहब की, वो इंटरनेट कैफे के लेवल पे आ गए, इंटरनेट कैफे चलाने वाले के लेवल पे आ गए। अध्यक्ष महोदय, ये हालत हो गई है, या कम से कम अपनी इज्जत तो नहीं, दिल्ली वाली की इज्जत तो रख ले। दिल्ली वालों ने बहुत उम्मीद के साथ एलजी साहब को यहाँ पे काबिज किया है।
कंक्लूड करिए कंक्लूड करिए। दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को जिम्मेदारी दी है, एलजी साहब को नहीं दी। मेल आईडी चलाने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल जी की है, एलजी साहब की नहीं है। एलजी साहब सिर्फ बटन और स्विच ऑन और स्विच ऑफ करने के लिए अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा एलजी साहब एक दूसरा काम कर रहे हैं, जो ये सेटिंग कराने का काम आजकल उनका हो गया है। आजकल वो भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख बन के रह गए। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख का क्या काम होता है, वो क्या करता है, वोटर लिस्ट उठाता है। अध्यक्ष महोदय एक सेकंड, वो वोटर लिस्ट उठाता है, उसके बाद देखता है कि उसको कौन कौन से वोट पड़ने वाले हैं, उसके बाद वो वोटों की सेटिंग करता है। वो करता है कि कौन दारू से सेट होगा, कौन पैसे से सेट होगा, कौन जुगाड़बाजी से सेट होगा, वो उस तरीके के वोटर उठाता है। इसी तरीके से एलजी साहब ने यहाँ पे वोटर उठाए, उन्हें लगा कांग्रेस के वोटर सेट हो जाएंगे, तो कांग्रेस के वोटर को सेट करने के लिए उन्होंने एक हज कमेटी बनाई, और हज कमेटी में ऐसे ऐसे लोगों को रखा जिससे वो सेटिंग कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे मुख्तार जी बैठे हुए हैं यहाँ पे, निजामुद्दीन में रहते हैं मेरे क्षेत्र में, ये आप हमारे हज कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं। अध्यक्ष महोदय चेयरमैन हैं सॉरी, और मुख्तार जी अभी कुछ दिन पहले हज पे गए थे। हज पे जाने के लिए आस्था चाहिए, नॉलेज चाहिए, लेकिन एलजी साहब ने हज कमेटी में किन लोगों को रख रखा है? गौतम गंभीर को, जो अपने लिए खुद गंभीर नहीं है, जो बेचारे जो है फेबी फ्लू में, वो अभी कोरोना वायरस में फेबी फीवर दवाई के लिए जो पकड़े गए, जमाखोरी के लिए पकड़े गए, वहां जमाखोरी थोड़ना करनी है हज में जमाखोरी थोड़ना करनी है। हज में सेवा का काम है, धार्मिक काम है। लेकिन अध्यक्ष महोदय एलजी साहब ने गौतम गंभीर जी को रख लिया, नाजिया दानिश को रख लिया। नाजिया दानिश कौन है? कांग्रेस की काउंसलर है, अभी तक शपथ भी नहीं हुई है, उन्हें रख लिया है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की इससे ज्यादा सेटिंग का सबूत जो है और कहीं नहीं मिल सकता। दोनों ने ऐसी सेटिंग कर ली है कि तू डाल डाल में पात पात, चलिए तू बस आगे चलता जा, मैं पीछे चलता जाता हूँ। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय बस एक लास्ट में एक डायलॉग तो बनता है, क्या आज सदन को मालूम हो गया कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है? भारतीय जनता पार्टी में और एलजी साहब में कोई फर्क नहीं रह गया इस समय, लेकिन जो दिल्ली की जनता सब समझ रही है। तो सुबह सुबह जब मैं उठा तो दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के एक हमारे कार्यकर्ता है, उसको पता था कि आज विधानसभा में बोलूंगा मैं, तो उसने भेज दिया एक व्हाट्सएप पे, और दिल्ली के लोगों ने एलजी साहब के बारे में क्या सोचते हैं वो मैं आप सदन को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है, दिल्ली की गलियों से भी छोटी तुम्हारी सोच है, तुम मुझे ना समझ पाए बस इसी बात का अफसोस है। दिल्ली को नहीं समझ पाएंगे, दिल्ली को नहीं समझ पाएंगे, दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली को समझने के लिए।